इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो और लाइक नहीं किया तो आप लोग हमें वहां पे भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या अगर आप लोग कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर पेश करें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अस्थमा के ऊपर। सबसे पहला जो है हमारा ये आता है कि अस्थमा का मतलब क्या है। अस्थमा जो है ग्रीक वर्ड है, यूनानी जबान का लफ्ज है, इसका मतलब है इंग्लिश के अंदर अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब बनता है पेंटिंग, और अगर इसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब बनता है सांस का फूलना, सांस चढ़ जाना या दम घुटना, जिसे हम कहते हैं दमा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज अस्थमा, अस्थमा या दमा जो है वो है क्या। अस्थमा जो है ये एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन है, ये तरह की एलर्जी है, ये हाइपर सेंसिटिविटी है, जो इम्यून सिस्टम है वो आपका हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर चला जाता है, ये एक तरह की जो है ऑटो इम्यून डिजीज भी इसको कहा जा सकता है। इसके बाद जो है हमारे पास जो अस्थमा है उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर तो जाता ही है, साथ में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, क्रोनिक किस्म की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। क्रोनिक तरह की जो इन्फ्लेमेशन है वो किसकी होती है, आपकी जो एयर वेज हैं, जो नालियां हैं जिसके अंदर एयर पास होती है और आपके लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर जाती है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, उनके अंदर क्या होती है इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है क्रोनिक किस्म की। क्रोनिक किस्म की इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है कि अब ये जो इन्फ्लेमेशन है ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अब इसका इलाज मुमकिन तो है, इलाज के जरिए जो सिम्टम्स हैं, जो अलामात हैं उनको कम किया जा सकता है, लेकिन इसको जो है फुली हम इसको ख़त्म, जड़ से इसका जो है खात्मा नहीं कर सकते इस डिजीज़ का। अब हमने ये समझ लिया कि ये एलर्जिक रिएक्शन है, हाइपर सेंसिटिविटी है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, और इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में क्या होता है कि जो आपकी नालियाँ होती हैं, जो हवा की नालियाँ, जो फेफड़े के अंदर जो आपके फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, उनके अंदर जो हवा की नालियां हैं जिनके अंदर एयर जा रही होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो वाल है वो मोटी होना शुरू हो जाती है इन्फ्लेमेशन की वजह से। वो जब मोटी होना शुरू होती है तो उसका जो ल्यूमन है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है सुकड़ना शुरू हो जाता है, और बाहर से जो होती है वो थिक हो जाती है, उसकी जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाती है, सूज जाती है। इस तरीके से पहले वो इस तरीके से थी, अब वो है इस तरीके से हो गया है, जो उसकी वॉल है वो थिक हो गई है और उसका जो ल्यूमन है अंदर वाला, जो नाली है अंदर का, नाली का जो सुराख है वो जो है पतला हो गया या जो है तंग हो गया, नैरो हो गया, और साथ में उसके अंदर क्या हो जाता है प्रोड्यूस हो जाता है म्यूकस, जिसे हम कहते हैं कि चिपचिपा मादा होता है, ये प्रोड्यूस होना शुरू होता है हाई अमाउंट के अंदर ज्यादा। अब म्यूकस का काम ये होता है कि आपकी एयर वेज के अंदर होता है, ये इसलिए होता है जब आपकी बॉडी के अंदर, जब आप जो है हवा लेते हैं, जब आप सांस लेते हैं और सांस के अंदर कोई जो है गंद जाता है, कोई जो है ज़रात जाते हैं, जो है पॉल्यूटेंट्स जाते हैं, तो ये आपकी जब एयरवेज के अंदर जाते हैं तो म्यूकस जो है उनको जो है म्यूकस बाहर निकालने की कोशिश करता है, म्यूकस प्रोड्यूस होता है, हवा के अंदर जो ज़रात हैं वो उस म्यूकस के साथ चिपक जाते हैं नालियों के अंदर, और वो जो है सीलिया जो होते हैं आपकी जो नालियाँ होती हैं उनके ऊपर सीलिया प्रोड्यूस होते हैं प्रेजेंट, छोटे छोटे जो है धागे नुमा, छोटे छोटे जो है बाल नुमा जो है सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और म्यूकस जो है जब वो हिलते हैं, जब वो मूव करते हैं ऐसा ऐसा घिसकता हुआ ऊपर आ जाता है और उसको आप जो है बाहर निकाल देते हैं, अपने मुंह से जो है बाहर जो है थ्रो कर देते हैं, थूक से जो है बलगम से जो है आप उसको बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से आपका जो एयरवे होता है वो साफ हो जाता है अगर आपकी एयरवे के अंदर कोई गंद वगैरह की कोई चीज़ की है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि म्यूकस की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपका जो नैरो हुआ जो एयर वे का जो ल्यूमन है, जब वो नैरो हुआ है और उसके अंदर म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू होता है, तो वो म्यूकस जो होता है फुली जो है उसको बंद कर देता है, जिससे क्या होता है कि सांस घुटना शुरू होता है, सांस नहीं जाता फेफड़ों के अंदर, सांस नहीं जाता, ऑक्सीजन नहीं जाती, और उससे क्या होता है कि आपका सांस जो है वो ठीक से नहीं जाता और आपकी जो ऑक्सीजन की जो बॉडी के अंदर कमी होना शुरू हो जाती है, जिससे आपका दम घुटने लगता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये समझ लेते हैं कि जो हाइपर सेंसिटिविटी या जो एलर्जी हुई है वो कैसे हुई है। ये जो एलर्जी है, इस ये जो हाइपर सेंसिटिविटी हुई है, ये ऐसे होता है कि जैसे हम कहते हैं कि कुछ जो पर्सन होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ठंडे से, जो है गर्म से, ठंडी हवा से, बहुत ज़्यादा जो है ठंडी कोई चीज़ पीने से, ठंडे मशरूबात पीने से, या हम जैसे कहते हैं कि
बर्फ से जो है सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग जो है गंदम की जो कटाई होती है तो उसके जो जरात होते हैं उससे सेंसिटिव होते हैं, कुछ परफ्यूम से होते हैं, कुछ लोग जो है पोलन से होते हैं, कुछ लोग जो हैं अगर हवा के अंदर मट्टी हो बहुत ज़्यादा तो उससे जो है सेंसिटिव होते हैं, तो उनको जो है एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, उनका जो नाक जो होता है वो बहने लगता है, या उनको जो है जुकाम स्टार्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं ये डिफरेंट तरह की जो है ये सेंसिटिविटीज़ हैं, पर्सन जो है सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा। अगर किसी को नॉलेज नहीं भी है साइंस का, बहुत ज़्यादा जो है पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो भी इतना तो ज़रूर जानता है कि ये जो पर्सन है हमारा बेटा बेटी या माँ बहन, ये जो है हमारा दोस्त है, इसको क्या है सेंसिटिविटी है, बहुत ज़्यादा ये जो है सेंसिटिव पर्सन है, इसको जो है जल्दी बुखार हो जाता है, इसको जल्दी नज़ला जुकाम हो जाता है। तो अस्थमा भी इसी तरीके से एक सेंसिटिविटी है, हाइपर सेंसिटिविटी है। ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है ये आपके इम्यून सिस्टम की वजह से होती है। आपका जो इम्यून सिस्टम है उसका असल में काम क्या होता है, कुव्वत मुदाफ़त का जो असल में काम होता है वो ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर बाहर से कोई भी एलर्जन गया है, कोई एंटीजन गया है, बाहर से कोई ऐसी चीज़ गई है जो कि आपके लिए नुकसानदायक है, जैसे बैक्टीरिया वायरस हो गया या गंद हो गया हवा के जरिए जा रहा है, जबकि आपके एयरवेज के अंदर या आपकी खुराक की नाली के अंदर जाता है, जिस तरह से भी जाता है, या फिर आपको इन्फेक्शन हो गया, कट लग गया, उसके थ्रू जा रहा है, कोई भी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर ऐसी जाती है जो कि नहीं जानी चाहिए, जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, जब वो जाएगी तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और इम्यून सिस्टम अपने सेल प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम कहते हैं टी सेल्स और बी सेल्स। अब ये जो है एक्टिवेट होने के बाद ये फर्दर एक्टिवेट करते हैं ऐसे सेल्स जैसे कि मास सेल्स हो गया, मैक्रोफेजेस हो गए, जिनका जो काम होता है वो ये होता है कि ये जो है ये उन जो वायरसेस हैं, उन सेल्स हैं जो बैक्टीरिया है या वायरस हैं जो बाइस हैं जो हार्मफुल है, ये उनको खा लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, उनको तोड़ते हैं और इस तरह से हमारी बॉडी में से इन्फेक्शन को भगा देते हैं। ये हमारा इम्यून सिस्टम का काम है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो ऐसे केमिकल से, ऐसी जो चीज़ों से भी सेंसिटिव हो जाता है कि जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, जैसे परफ्यूम की खुशबू। अब परफ्यूम की खुशबू जो है हर किसी के लिए हार्मफुल नहीं है, हर किसी के लिए जो है ये सेंसिटिविटी कॉज नहीं करती, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि सेंसिटिविटी होती है परफ्यूम की खुशबू सूंघने से, परफ्यूम की जो है अगर परफ्यूम लगाता है या स्मोकिंग से या पोलन से वो सेंसिटिव होते हैं, अगर वो उस चीज़ को इनहेल करते हैं अपने एयरवेज के अंदर लेकर जाते हैं तो उनके एयरवेज के अंदर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे होता है क्या है, जब हवा के जरिए उस हवा के अंदर जो मौजूद है, जो एलर्जन मौजूद है, अब वो एलर्जन कोई भी हो सकता है, जो है एलर्जन डिफरेंट होंगे, हर पर्सन के अंदर जो है सेंसिटिविटी डिफरेंट होगी। कोई जो है अगर पोलन ले रहा है अपने सांस के जरिए उसको, उससे सेंसिटिविटी हो रही है, कोई सिगरेट का स्मोक ले रहा है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर कोई जो पर्सन है उसको परफ्यूम से सेंसिटिविटी है, परफ्यूम से जब सेंसिटिविटी होगी तो परफ्यूम कहाँ पे ऐड होगा, आपकी एयर के अंदर मौजूद होगा। अब आप सांस लेंगे तो आपकी एयरवेज के अंदर, अब जब आप सांस लेंगे तो आपकी नाक के थ्रू वो परफ्यूम के जो जरात होंगे वो आपकी कहाँ चले जाएंगे, ट्रेके के अंदर चले जाएंगे और ब्रोंकाई के अंदर और ब्रोंक्यूल्स के अंदर आपके लंग्स के अंदर चले जाएंगे। जब वहां पे जाएंगे तो आपके इम्यून सिस्टम को ये लगेगा कि हवा के अंदर जो मौजूद ये पोलन है या फिर ये जो परफ्यूम का जो जर्रा है ये हमारे लिए नुकसानदायक है। अब जब इम्यून सिस्टम को ये लगेगा तो वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा टी सेल्स और बी सेल्स, और बी सेल्स और टी सेल्स जो प्रोड्यूस होंगे वो यहाँ पे जो बी सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो इम्यूनोग्लोबिन ई टाइप के होंगे, जिसे हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी वन है। हाइपर सेंसिटिविटी जो एग्जांपल है वो वन है, टाइप वन की जो है यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है इम्यूनोग्लोबिन ई की वजह से। और साथ में इंटरल्यूकिंस प्रोड्यूस होंगे, इंटरल्यूकिंस ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे पास ऐसे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि मास सेल्स या मैक्रोफेजेस, इनकी हमने पहले बात की, जो जाकर उन जो हार्मफुल जो चीज़ें हैं आपकी बॉडी के अंदर उनको खाना शुरू कर देंगी या उनके ऊपर अटैक करेंगी। जब ये होता है सारा अमल तो ये सारे का सारी जो चीज़ें हैं ये आपके लंग्स की तरफ जाती हैं, फेफड़ों की तरफ जाती हैं, एयरवेज के अंदर एंटर होती हैं, उसकी वॉल्स के अंदर जाती हैं और वहाँ पर क्या करती हैं, वहाँ पर कोशिश करती हैं ये आपकी जो है वहाँ पे जो परफ्यूम गया या वहाँ पे जो केमिकल्स गए हैं उनको जो है ख़त्म करे। जब ये उनको ख़त्म करना स्टार्ट करती है तो ये साथ में आपकी जो एयरवेज हैं, जो आपकी जो नाली हैं, जो आपकी जो ट्रैकिया या आपकी जो ब्रोंकाई है या ब्रोंक्यूल्स हैं, उनकी जो जो दीवारें हैं उनके अंदर क्या काज करवा देती है, इन्फ्लेमेशन। अब जब ये इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है तो ये आपकी जो वॉल्स हैं वो सूजना स्टार्ट हो जाती हैं, मोटी होना शुरू हो जाती हैं। जब वो मोटी होना शुरू होती है, थिक होना शुरू होते हैं, तो जो एयर वे है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, नैरो हो जाता है। और साथ में जो मसल्स होते हैं यहाँ पे रिंग शेप जो मसल्स होते हैं, छोटे छोटे मसल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्मूथ मसल्स, तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। स्मूथ मसल्स की भी जो है स्मूथ मसल्स स्पैज में चले जाते हैं, जब स्मूथ मसल्स जो है स्पैज में जाते हैं तो वो सुकड़ते हैं, तो वो उस एयर वे को टाइट कर देते हैं, उसको दबा देते हैं इस तरीके से।
रिंग्स होते हैं आपकी जो एयर वेज है उनके बाहर रिंग्स होते हैं स्मूथ मसल्स के, जब वो सुकड़ते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं स्पेस में जाते हैं तो वो जो एयर वे है जो नाली है जो नरम सी उसके ऊपर प्रेशर कॉज करते हैं वो और दब जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है फर्दर हमारे पास नर्विंग हो जाती है, फर्दर जो है वो जो नाली है वो जो है सुकड़ जाती है और उसका जो ल्यूमन है वो बिल्कुल क्लोज होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमें दुश्वारी होती है सांस के अंदर, सांस घुटने लगता है। तो इसकी अलामत क्या होती है अब इसके ऊपर आ जाते हैं। अलामत के अंदर हमें जो है सांस घुटने लगता है हमारा, स्पेशली जो है रात के टाइम जब अस्थमा का अटैक होता है तो उसके अंदर हमारा सांस घुटने लगता है, हमें सांस नहीं आता, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाता है। दूसरे नंबर पर यहाँ पे क्या होता है कि चेस्ट टाइटनेस हो जाती है, चेस्ट के अंदर हमें जो है टाइटनेस फील होती है। तीसरे नंबर पर जो है खांसी आती है बहुत ज्यादा, और खांसी के साथ जो आवाज होती है या जो खांसी आती है या सांस आता है वो व्हीजिंग होता है, उसके अंदर सीटी बजने लगती है, ऐसा लगता है कि सीटी बज रही है, पर्सन को ऐसा फील होता है कि अगर वो सांस लेता है तो वो साथ में सीटी वाली आवाज पैदा होना शुरू हो जाती है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे अलामत आती है वो ये आती है कि स्पूटम की प्रोडक्शन, बलगम आती है खांसी के साथ साथ, बलगम आती है बाज़ औक़ात, तो ये भी इसकी अलामत के अंदर है। अब कॉजेज क्या है उसको देख लेते हैं। कॉजेज के अंदर ये है कि आपकी जो कॉजेज इसकी अस्थमा की कॉजेज आती है वो दो बड़ी आती है, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, दूसरा हमारे पास जो है आपके विरासती जो फैक्टर्स आते हैं, जो हमारे पास जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं वो आ जाते हैं। जो हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं उसके अंदर यही होता है कि आपके इन्वायरमेंटल एलर्जन होते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लिए सेंसिटिविटी कॉज कर रही है, जो आपके लिए जो है सही नहीं है, जो आपके लिए हार्मफुल है या आपके एयरवे के लिए जो है हार्मफुल है, जैसे कि किसी के लिए सिगरेट का स्मोक होगा, किसी के लिए जो है पोलन्स होंगे, किसी के लिए जो है मिट्टी हो सकती है, किसी के लिए जो है वो हमारे पास गंदम के सीजन के अंदर जो राख उड़ती है, जो हमारे पास गंदम के सीजन के अंदर जो मिट्टी उड़ी होती है, जो गर्द उड़ी होती है, उसके अंदर जो जरात होते हैं गंदम की कटाई के बाद फसल के वो हो सकते हैं, किसी के अंदर हमारे पास और चीज़ें हो सकती हैं जैसे घर के अंदर इंसेक्ट्स वगैरह हैं, या फिर अगर आप जो है घर के अंदर स्प्रे कर रहे हैं कोई इंसेक्ट्स के लिए पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स तो उसकी वजह से भी हो सकती है। तो ये हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स ये हो सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर उस पर्सन की जो है बॉडी के अंदर ये हो सकता है कि एक खास किस्म का जीन मौजूद है जो कि उसको हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर लेकर जा रहा है, जो कि उसको जो है सेंसिटिविटी कॉज करवा रहा है। इसके अलावा ये भी हो सकता है पर्सन के अंदर कि उस पर्सन के अंदर जेनेटिक कॉज की वजह से ये भी हो सकता है कि उसको विरासती तौर पर जो है अस्थमा मिल रहा है, उसके जो है बड़े बूढ़ों को भी था, जैसे कि उसके माँ बाप को या फिर उससे पहले जो है उसके दादा दादी को या नाना नानी को अस्थमा था, तो अब उसको भी होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो है पर्सन के अंदर जो अस्थमा स्टार्ट हुआ है वो 12 साल की उम्र से पहले स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसको जो जेनेटिक कॉज है वो ये है कि ये इसको जो है विरासती तौर पर मिला है, वो उसको उसके पेरेंट्स से मिला है। अगर हमारे पास जो अस्थमा के जो अटैक है वो स्टार्ट होते हैं 12 साल की उम्र के बाद, पर्सन जो है 13-14 साल का हो गया या इससे बड़ा है, या जो 30 साल की उम्र में 20 साल की उम्र में अगर इस एज के अंदर हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पर्सन के अंदर जो है जेनेटिक जो कॉज है वो ये है कि जीन्स का जो है मौजूद है उसके अंदर, जो अस्थमा को जो ट्रिगर कर सकते थे, जो अस्थमा को जो है एक्सप्रेस कर सकते थे बाद में लेटर एज के अंदर। अब यहाँ पे इस वीडियो को हम एंड करते हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया अस्थमा की क्या था, अस्थमा की कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसका ट्रीटमेंट प्लान और इसके जो है हमारे पास रिस्क फैक्टर्स जो है उनको डिस्कस करेंगे, और अस्थमा से कैसे बचा जा सकता है अस्थमा के अटैक से, फर्दर आपको जो है बार बार अस्थमा ना हो और आपकी जो सेहत है वो ठीक रहे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।